नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो लंबे समय से उदयपुर अहमदाबाद को जोड़े जाने की मांग थी, जो कि वर्ष 2022 काफ़ी सुखद रहा इस मामले में। हालांकि इस मामले में तो पूरा मेवाड़ ही दोस्तों एक तरह से काफ़ी सुखद रहा, क्योंकि आपका ट्रैक बन गया, आपकी पहली ट्रेनें चल गई, मगर साथ ही साथ में मावली बड़ी सादड़ी वाला जो सेक्शन है उसको भी पूरा किया गया, वहाँ पर भी ट्रेनें चलाई गई उदयपुर से। तो काफ़ी हद तक तो लोगों को राहत तो प्राप्त हुई है, मगर अब दोस्तों जो कि लगभग 2 से 3 महीना बीत चुका है एक मेवाड़ की पहली ट्रेन को चले हुए, और प्रस्तावित ट्रेनों के लिस्ट में फिलहाल जयपुर का भी नाम जुड़ा हुआ था और जयपुर को ऐन मौके पर इस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। तो फिलहाल अब जो कि बात निकल कर आती है कि लंबे समय से लगभग 3 महीना हो चुका है, आपने तो ट्रैक बना दिया और विद्युतीकरण भी किया जा रहा है, जिसको मौजूदा समय में तेज गति से किया जा रहा है, जिसको मार्च अप्रैल तक पूरा किए जाने का लक्ष्य को रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्चुअली यहाँ पर ट्रेन चलाने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वहाँ पर 2 जोन की वजह से आती है, जो कि पहला जोन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, जो कि उदयपुर से हिम्मतनगर तक का पूरा सेक्शन है, और हिम्मतनगर से लेकर जो असरवा का पूरा सेक्शन है वह आ जाता है वेस्टर्न रेलवे में। तो दोनों की अगर यहाँ पर दोनों का साथ को मिलाकर अगर देखा जाए और दोनों की जोन अगर सहमति बनाते हैं तो निश्चित रूप से नए गाड़ियों के संचालन विस्तार को करना कोई बड़ी बात इस रूट पर नहीं रहेगी। फिलहाल इस पर भी प्रयास किया जा रहा है ताकि दोनों ही जोन के बीच में एक समन्वय जो है स्थापित किया जा सके, क्योंकि लंबे समय से इस रूट्स पर जो नई ट्रेनों को लेकर विस्तार और आगे बढ़ाने पर बातचीत होती है दोस्तों, या वहाँ जो मतलब जो एक ग्राउंड लेवल रहता है वहाँ से बढ़िया होती है, और ये प्रस्ताव ऊपर तक आते आते दोस्तों ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जोन में से किसी एक जोन ने अगर परमिशन दिया है तो अगले जोन जो है इस चीज़ के लिए परमिशन देगा कि नहीं, इस चीज़ को देखते हुए जो प्रपोजल रहता है खंडित हो जाता है, और ऐसे में यह प्रपोजल जो है फिलहाल आगे जो है नहीं बढ़ पा रहा है। बीते दिनों पता नहीं दोस्तों कितनी सारी ट्रेनों के प्रस्ताव इस रूट पर भेजे गए, जो कि लंबे समय तक या तो स्टेशन बाकी स्टेशनों पर 15 से 20 घंटे खड़ी रहती है, या दोस्तों लगभग इस ट्रेन का विस्तार करने से जहां रेलवे को भी फायदा होता था वहीं यात्रियों को भी इसका फायदा जो है ज़्यादा मिलता था। और इसी का एक लंबा उदाहरण है गुजरात मेल। आप सभी को पता है गुजरात मेल अहमदाबाद से इसको संचालित की जाती है, और एक बार वापस आती है ना गुजरात मेल भाई तो 15 से 17 घंटे जो है अहमदाबाद के यार्ड में ही खड़ी रहती है। अगर इस ट्रेन का विस्तार अगर आप उदयपुर तक भी करते हैं तो उदयपुर से वापस एक फेरा लेकर वहाँ 1 से 2 घंटे रेस्ट करने के बाद वापस इस ट्रेन को अहमदाबाद तक भेजा जा सकता था, मगर दोस्तों वेस्टर्न रेलवे इसके लिए परमिशन नहीं देगा, और वेस्टर्न रेलवे ने अगर परमिशन दे भी दिया तो यहाँ पर क्या नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इसके लिए सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, फिलहाल इसी चीज़ को लेकर आगामी कितने सारे प्रस्ताव जो है यहाँ पर उनको उन प्रस्तावों पर विचार विमर्श फिलहाल नहीं किया गया। अभी आपको पता होगा कि दोस्तों कोटा सरवा को लेकर भी कुछ बीच में अपडेट आई थी, जिसकी अपडेट हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड कराई थी। तो कोटा सरवा को शुरू कराने को लेकर बार बार चर्चाएं हुई है, और कोटा सरवा का एक प्रस्ताव को रेडी करके यहाँ पर जो है इन दोनों जोनों के पास भेजा गया था ताकि इस प्रस्ताव पर हरी झंडी जो है लग सके, मगर इस प्रस्ताव को जो है दोस्तों खारिज कर दिया गया। और हालांकि जो प्रस्ताव था उसका टाइम टेबल था उसके बारे में भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, इसकी समय सारणी क्या रहेगी और साथ ही साथ में कौन कौन से स्टेशनों पर स्टॉपेज जो है लेने वाला है। तो इन फ्यूचर जो है देखने वाली बात रहेगी कि वर्ष 2023 में क्या इसकी प्रस्तावित की गई ट्रेनों को यहाँ पर चलाया जाएगा, क्योंकि सभी को पता है उदयपुर असरवा के लिए 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने की लेकर जो है मंजूरी प्राप्त हुई थी, जिसमें से 1 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन को चलाया जा रहा है, और जो दोस्तों सरवा से लेकर डूंगरपुर तक डेमू ट्रेन को भी चलाया जा रहा है उसको बढ़ाकर आगे उदयपुर तक किए जाने पर भी परमिशन मिल चुकी है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। साथ ही साथ में जयपुर सरवा जिसको पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है, जिसको आपने टेक्निकल इश्यू बताकर इसको जो है नहीं चलाया, तो वापस से इसको रैक की कमी है, क्या कमी है दोस्तों आप उसको देखिए और इस रूट पर वापस से ट्रेन को चला दीजिए। तो यह तो हो गए दोस्तों 3 ट्रेनें, और चौथी जो भी चल ही रही है, और इन फ्यूचर में जो इस रूट पर और ट्रेनें चलाने को लेकर चर्चाएं होती है तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। फिलहाल धन्यवाद, वंदे मातरम।